पॉपुलर न्यूज में सबसे पहले आज हम बात करने जा रहे हैं सुखोई मिसाइल के परीक्षण के बारे में, जो सफल रहा है। आपको बता दें कि ये बहुत बड़ा इसे माना जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी सक्सेस इसलिए भी है कि डीआरडीओ ने मिलकर सुखोई 30 एमकेआई से नए ब्रह्मोस का सफल परीक्षण कर लिया है। टारगेट पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। तो भारतीय वायुसेना ने बंगाल की खाड़ी में एयर लॉन्च्ड ब्रह्मोस मिसाइल को सुखोई 30 एमकेआई के साथ सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। मिसाइल ने खाड़ी में मौजूद टारगेट पर सटीक निशाना लगाया। इस परीक्षण के साथ ही भारतीय वायुसेना ने सुखोई फाइटर जेट से जमीन या समुद्र में लंबी दूरी के टारगेट को निशाना लगाने की क्षमता हासिल कर ली है। तो प्रेसिडेंट स्ट्राइक करने की क्षमता बढ़ चुकी है। इसी के साथ इस परीक्षण के दौरान भारतीय वायुसेना के साथ साथ डीआरडीओ, भारतीय नौसेना, बीएपीएल और साथ ही पीएलई शामिल थे। ब्रह्मोस के एक्सटेंडेड जो वर्जन है मिसाइल की वजह से, आपको बता दें कि सुखोई 30 एमकेआई फाइटर जेट्स की मारक क्षमता बढ़ाई गई है। तो भविष्य में किसी भी युद्ध के लिए खतरनाक जोड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। और आपको बता दें कि ब्रह्मोस का नया वर्जन जो रेंज है उसकी, वो है 800 किलोमीटर तक, यानी कि हमारे फाइटर जेट हवा में रहते हुए दुश्मन के ठिकानों को इतनी दूरी से ही ध्वस्त कर पाएंगे। हो सकता है कि यह परीक्षण इसी संबंध में हो, लेकिन वायुसेना की तरफ से या सरकार की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियली बयान नहीं दिया गया। तो ये तो बात रही एक बहुत ही बड़ी सफलता की, लेकिन एक और बात हम बताने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल उठाती है, कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी को बढ़ाती है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। आपको बता दें कि जो तमाम रिपोर्ट्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो कह रहे हैं कि महंगाई मनमोहन के जमाने से भी ज्यादा हो चुकी है। जीडीपी ग्रोथ रेट पर भी अब कहीं ना कहीं जोखिम है। तो भारत में एक बार फिर से हाई इन्फ्लेशन का दौर वापस आ चुका है। अप्रैल महीने की हम बात करें तो रिटेल जो इन्फ्लेशन दर है वो है 7.79%। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जब पीएम बने थे, पहली सरकार का जब गठन हुआ था, उसके बाद से लेकर अब तक का ये सबसे ऊंचा स्तर है। आपको यह भी बता दें कि पिछले मार्च के महीने में खुदरा महंगाई दर 6.95% पर थी। 2014 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था और नरेंद्र मोदी जीत गए थे, 26 मई को उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उस दौरान महंगाई दर जो थी वो थी 8.33%। तो 2014 के बाद पहली बार अप्रैल 2022 में महंगाई की दर 8% के पास पहुंच चुकी है। हालांकि आप ये भी मानिए कि 10% से भी आंकड़े को पार कर गई थी मनमोहन सिंह के कार्यकाल में महंगाई। दो और आप ये भी मानेंगे, क्योंकि तमाम जो इकोनॉमिस्ट हैं उस टाइम पे लगातार कह रहे थे, वर्ल्ड वाइड उस वक्त रिसेशन का समय था, बावजूद इसके भारत की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान उस वक्त नहीं पहुंचा था। लेकिन आपको यह भी बता दें कि 12% से भी ऊपर जाने के बाद 1991 की अगर हम बात करें तो मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे, जो खुदरा महंगाई दर है वो 13.50% तक भी पहुंची थी। तो भारत में महंगाई के ऑल टाइम हाई भी माना जाता है 13.5%। कैसे बढ़ी है महंगाई ये भी देख लीजिए। उदाहरण के तौर पर खाने पीने की तमाम चीजें बढ़ चुकी हैं, अनाज हो, तेल हो, दूध हो, आप हर चीज में रेट बढ़े हुए महसूस करेंगे। ओवरऑल फूड इंडेक्स जो है 1.6% बढ़ चुका है। तेल और बाकी की जितनी भी चिकनाई वाली चीजें हैं 2.5% से ज्यादा बढ़ चुकी हैं, लगभग 17.5% पर पहुंच चुकी हैं। अनाजों की महंगाई हम देख ही रहे हैं। मांस मछली और दालों की बात करें तो उस पर भी आपने महंगाई महसूस जरूर की होगी। तो महंगाई का अंदाजा इस बात से लगाना बहुत आसान है कि जो 5 रुपए वाला पार्ले जी था वो 13 रुपए, जिसमें 13 बिस्किट्स आया करते थे, अब क्या केवल 11 बिस्किट्स ही उसमें दिए जाते हैं। 10 रुपए वाले कोलगेट में पहले 25 ग्राम टूथपेस्ट आपको मिलता था, जो कम होकर अब हो गया है 18 ग्राम। 100 रुपए की कीमत वाली जो कैडबरी चॉकलेट का वजन था पहले, वो था 150 ग्राम और अब इसे कम करके 100 ग्राम कर दिया गया है। आटा समेत गेहूं बनने वाले तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी महंगे हो चुके हैं। हालांकि बताने की आपको जरूरत नहीं है, रोजमर्रा की जिंदगी जीते जीते ये आप बहुत अच्छे तरीके से महसूस कर ही रहे हैं। और वही सवाल लगातार पूछा भी जा रहा है कि आखिर महंगाई करके क्या मानेगी।
और यह खबर थोड़ी अनोखी है क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं अनोखा सा मिनी बुलडोजर। बुलडोजर को लेकर जिस तरह की चर्चाएं हम कह सकते हैं भारत भर में हैं और जिस तरह से सरकारें उसको कॉपी कर रही हैं या फॉलो कर रही हैं, वो एक सवाल का विषय है कि क्या इस तरीके से किसी भी घर को, किसी भी प्रॉपर्टी को बिना कोर्ट के ऑर्डर के जमींदोज करना ठीक है। लेकिन फिलहाल जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये एक ऐसी तस्वीर है जो बहुत ही ज्यादा मदद करने वाली है पुलिस की, प्रशासन की, क्योंकि उपद्रवियों पर शिकंजा कसना इससे आसान हो जाएगा। तो सेना के बाद एक पुलिस ही है जो हम सबकी जान को हमेशा बचाने की कोशिश में रहती है। दंगे जब आते हैं तब भी भीड़ में फंसे हुए लोगों को बचाने की कोशिश में कई बार खुद भी पुलिस को मार खाते हुए आपने देखा होगा, जान गंवाते हुए आपने देखा होगा। पुलिस वाले घायल होने के बावजूद भी कई बार हमको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। आपको ये भी बता दें कि इसी समस्या का हल निकालने की कोशिश की है मेरठ के MIT कॉलेज के श्याम चौरसिया ने। श्याम चौरसिया ने एक ऐसी ही मिनी बुलडोजर को तैयार कर डाला है जिसके जरिए पुलिस को सीधे दंगाइयों के बीच जाने की जरूरत नहीं होगी। तो मेरठ के MIT कॉलेज के श्याम चौरसिया ने एक ऐसा मिनी बुलडोजर तैयार किया है जो भीड़ को नियंत्रित करेगा। इस रोबोट गन में 9mm की खास इलेक्ट्रॉनिक गन लगा दी गई है जिसे रिमोट से या इंटरनेट की मदद से चलाया जा सकेगा। तो ये गन लाल मिर्च दाग सकती है, आंसू गैस छोड़ सकती है, रबर बुलेट छोड़ सकती है। तो कुल मिलाकर बहुत ही आसानी से कंप्यूटर के जरिए या रिमोट के जरिए पुलिस इसको आसानी से कंट्रोल कर सकती है और भीड़ वाले इलाके में जहां दंगाई है, जहां फसादी बुरी तरह से उत्पात मचा रहे हैं, वहां पुलिस को खुद सीधे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, श्याम चौरसिया ने इस मिनी बुलडोजर को तैयार किया है। अच्छी बात यह है कि इस बुलडोजर से कई तरह के काम पुलिस कर सकती है, जैसे लाल मिर्च अगर दागने हैं भीड़ को तितर बितर करने के लिए, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना है उसका भी इस्तेमाल इस मिनी बुलडोजर से हो सकता है। अगर पुलिस को लगता है कि यहां पर हालात और ज्यादा खराब हो रहे हैं और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इस बुलडोजर के जरिए, एक रिमोट के जरिए या फिर इंटरनेट के जरिए कंट्रोल करके यहां पर आंसू गैस भी बहुत आसानी से पुलिस छोड़ पाएगी। तो पुलिस की सुविधा को देखते हुए, पुलिस की परेशानियों को देखते हुए और जिस तरह के हालात मॉब के बीच पैदा हो जाते हैं उसे देखते हुए ये मिनी बुलडोजर बहुत काम का पुलिस वालों के लिए साबित हो सकता है।